प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान, चुनाव को मात्र 28 दिन बचे हैं लेकिन भाजपा के प्रत्याशी का अभी तक कोई पता नहीं। सीहोर को दिल्ली की और गुड़गांव की तरह विकसित करेंगे। युवाओं और क्षेत्र का विकास हमारा ही लक्ष्य है। पूरी लोकसभा में कांग्रेस का माहौल है। देखिए, आज आप देख रहे हैं सीहोर में भी पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। लगातार जब से घोषणा दिग्विजय सिंह जी की भोपाल लोकसभा में हुई, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता गली गली जाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। और वहीं हम देख रहे हैं सिर्फ 28 दिन बाकी है लेकिन अब तक भाजपा उनका प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, जिससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि पूर्ण रूप से माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रति है। साथ में हमारी सीहोर के लिए विशेष ये प्लानिंग रहेगी कि जिस प्रकार से हम देखते हैं दिल्ली में, दिल्ली और गुड़गांव, उसी प्रकार से हम मानते हैं कि भविष्य में हम ऐसी प्लानिंग करेंगे कि भोपाल और सीहोर भी उसी प्रकार से विकसित बने, अच्छी बड़ी यहाँ पर सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप हो ताकि यहाँ पर नए रोजगार के अवसर मिले और युवाओं का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। आपको लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है? देखिए, वो मैं नहीं कहता, वो तो भाजपा ही तय करे, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम जो कांग्रेस पार्टी की लकीर है उसको और आगे खींचे, बाकी जो प्रत्याशी भाजपा चयन करे वो उनकी जिम्मेदारी है।